हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरजे केयर पॉइंट की ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस के अंदर। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं जीआई सिस्टम का, क्योंकि अब आने वाला जो आपका टेस्ट है उसमें जीआई सिस्टम और रीनल दो टॉपिक कवर होंगे, और माइनर फर्स्ट और माइनर सेकेंड सीबीटी एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट जो हमने देखा है काफी अच्छी प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की, सभी मेहनत कर रहे हैं टेस्ट के लिए। कुछ टॉपिक आपके नहीं करवा पाए थे तो आप अपने बिहाफ पे उस चीज को देख के आपने किया है पेपर, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मैं आपकी कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पाया था। अब आपकी डेली क्लास होगी और जो भी टॉपिक आएंगे एग्जाम के अंदर वो आपको सारे रिवाइज कर दिए जाएंगे, और जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं आपके एमएसएन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, क्योंकि एमएसएन में अगर अपन रिवाइज करवाते हैं तो हर एक चीज आपको डिटेल से बतानी पड़ेगी, तो आप उन टॉपिक्स को अपने बिहाफ पे आप प्रिपेयर करके रखें ताकि रिवीजन के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत ना आ सके, ठीक है। और यहाँ मैं रिवीजन जो कराऊंगा वो थोड़ा फास्टली होगा ताकि आप उसको इजिली उसको पकड़ सकें, जो नए स्टूडेंट हैं वो कंसेप्ट को अच्छी तरीके समझ सकें, तो आप प्रीवियस क्लासेस को भी आप देखते रहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अगर रिजल्ट नहीं आ पाया तो मैंने आपको बता दिया था और एक बार फिर बता रहा हूं कि जब एग्जाम कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आप पेपर को सबमिट जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपका नेट स्लो होता है तो उसके कारण ऑटोमेटिक सबमिट नहीं हो पाता है। कुछ स्टूडेंट के हो पाता है, जैसे आप अगर सबमिट नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका नेट प्रॉपर काम करे या सर्वर के कारण कुछ इश्यू आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक सबमिट नहीं हो पाया और फिर आपने जो 1.5 घंटे जो आपका एग्जाम दिया उसका एनालिसिस आपको नहीं मिली, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत गलत है। हम नहीं चाहते ऐसा कि किसी स्टूडेंट के साथ हो कि आपने सेल्फ एनालिसिस के लिए एग्जाम दिया और फिर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो एग्जाम कंप्लीट होने से 1-2 मिनट पहले आप उसे सबमिट जरूर करें, ठीक है। प्रीवियस क्लास से आप जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, विक्रम सर ने जो करवाई हुई है एमएसएन की वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, जो भी क्लासें हो चुकी है आप उनको रिवाइज करते रहें, ठीक है। देखिए, अभी स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो स्टाफ को लीव नहीं मिल रही, ऑफिशियल लीव नहीं मिल पा रही है, और अभी आने जाने के अंदर भी कुछ इश्यूज हैं इसीलिए स्टाफ अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। ब्लड की क्लास आपकी लगवा दी जाएगी, डोंट वरी, ब्लड का टॉपिक नहीं हुआ है मुझे पता है, तो ब्लड की क्लास मैं लगवा देंगे, ठीक है। आईफोन के लिए मोबाइल ऐप स्टार्ट कर दिया है, अगर किसी को पता नहीं है तो आईफोन के लिए मोबाइल ऐप स्टार्ट कर दिया है, हमारे जो सपोर्टी नंबर है 9024103614, आप उन पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत वहां से आईफोन के लिए लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कीजिए। आईफोन का तो पहले से ही आ चुका है, जो फर्स्ट माइनर अपना लगा था उससे जस्ट 1 दिन पहले हमने स्टार्ट कर दिया था, बहुत से स्टूडेंटों ने दिया भी है एग्जाम। अब देखिए, हाँ, डेली आपकी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में ही होंगी, 10 या 11 बजे जो भी क्लास होनी है, या तो 10 बजे या 11 बजे, वो प्री नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा, जैसे आज ही क्लास का हमने कल डाल दिया था तो वैसे आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन सारी क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जीआई सिस्टम। एक बार सभी आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अगर जो स्टूडेंट लाइव नहीं आ पाया है तो वो भी क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए सीबीटी एग्जाम को, समथिंग 999 स्टूडेंट ने माइनर सीबीटी फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन सीबीटी सेकेंड के अंदर कुछ स्टूडेंट कम थे, मतलब जिन्होंने पैकेज ले रखा है उन स्टूडेंट ने भी कंप्लीट एग्जाम नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये पैकेज लिया है तो आपको हर एक एग्जाम देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर करोगे कंपटीशन आपका उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग के अंदर एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको 200-300-400 स्टूडेंट के साथ एक साथ कॉम्पिटिशन मिलता है, और हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना स्टूडेंट के बीच में कॉम्पिटिशन आपको मिले ताकि आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट हो सके, ठीक है। अब क्लास आपकी डेली लगेगी, अब मैं ओके हूं एकदम वेल, तो डेली क्लास आपकी होगी, ठीक है। जो भी टॉपिक आएगा आपका एग्जाम में उससे पहले आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग।
चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जीआई सिस्टम में। तो एक बार फिर आपको बताता हूं कि अगर अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सीबीटी, तो अभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपको प्रीवियस पेपर नहीं मिल पाएंगे। जो एग्जाम हो चुके हैं वो पेपर आपके लिए नहीं मिलेंगे। अब आप जो ज्वाइन करोगे, अगर जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको आने वाले सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और एग्जाम देना जरूरी है। अगर आप कुछ स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि सर टाइम नहीं होने के कारण आपने एग्जाम नहीं दिया और पेपर चाहिए, तो वो चीज हम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 1 मिनट निकाल के एक क्वेश्चन को सबमिट जरूर करें, ताकि आपको जो पेपर है विद सॉल्यूशन आपको मिल जाए आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर, ठीक है। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम के अंदर सबसे पहले इसका अपन बेसिक एनाफिजियो के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में इसकी डिजीज कंडीशन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी रेडी हो जाइए। और आप जो मैं क्रैश कोर्स के अंदर करवा रहा हूं, उसमें आपको जो टॉपिक या जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाउचर कोड में कुछ नहीं डाला, उसको आप खाली छोड़ दीजिए। अगर कभी स्पेशल ऑफर आपके लिए निकालेंगे हम, तो वहां पर आपको कोड बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। क्या होता है जीआई सिस्टम? जीआई सिस्टम इज ए कंटिन्यूअस कैनाल। एक क्या होती है, कंटिन्यू क्या होती है, कैनाल होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। जो कहां से स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। जीआई सिस्टम क्या होता है, कंटिन्यूअस कैनाल होती है, कंटिन्यूअस कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है एंड कंप्लीट विथ एनल कैनाल, ठीक है। कंप्लीट कहां पर होती है, एनल कैनाल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इनटेक की, फूड का क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, देन स्वेलो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड, एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो जीआई सिस्टम का मतलब क्या हो गया, अगर इंट्रोडक्टिव पार्ट की अपन बात करें, तो जीआई सिस्टम क्या है, एक कंटिन्यूअस कैनाल दैट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड कंप्लीट विद एनल कैनाल, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक, स्वेलो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड, ठीक है। ये काम होते हैं जीआई सिस्टम के। अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो जीआई के मेन ऑर्गन होते हैं और कुछ होते हैं इसके एसेसरी ऑर्गन, जो जीआई सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें सबसे पहले ऑर्गन ऑफ जीआई सिस्टम। तो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल एंड रेक्टम। अब बात करें एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इनके इंसर्टेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। एसेसरी ऑर्गन में कौन से आएंगे, लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, एंड पैंक्रियाज, ये होते हैं एसेसरी। मतलब जो जीआई के मेन फंक्शन होते हैं उनके अंदर कुछ ये भी हेल्प करते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, इसके अंदर क्या करते हैं, एक एसेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर ओरल कैविटी, ये सारे अपन पढ़ेंगे जीआई सिस्टम के अंदर, और इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं मोस्टली जहां से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए ओरल कैविटी के अंदर, तो ओरल कैविटी के अंदर सबसे मोस्टली आता है टीथ से। तो सबसे पहले देखिए टीथ की बात करते हैं अपन। टीथ की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द क्राउन एंड सेकेंड इज
रूट। फर्स्ट क्या होता है, टीथ का क्राउन जो मतलब हेड पार्ट होता है टीथ का, ठीक है, देखिए अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है वैसे, ठीक है, अपेंडिक्स का डाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, अगर अपन अपेंडिक्स को हटा भी देते हैं तो डाइजेशन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो अपेंडिक्स का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है अपने जीआई सिस्टम के अंदर, वो एक अवशेषी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए टीथ के अंदर बात करें, इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है क्राउन और एक होता है रूट। क्राउन जो कवर होता है किसके द्वारा, इनेमल के द्वारा, इनेमल के द्वारा, इनेमल इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे क्या होता है स्ट्रॉन्ग या सबसे टफेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। इनेमल इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमाइलोब्लास्ट सेल, इनेमल इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमाइलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या होता है, इनेमल प्रोड्यूस होता है, मतलब इनेमल बनता है, ठीक है, सॉरी अब देखिए एमाइलोब्लास्ट सेल किसका सिक्रेशन करती है, कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है या हार्डेस्ट पार्ट अपनी बॉडी का, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, इनेबल, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एमाइलोब्लास्ट सेल के द्वारा, और किससे बना होता है ये, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपन रूट, रूट के अंदर कवरिंग होती है किसकी, सीमेंटम। कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से जिनकी अपन बात करें, ठीक है, रूट किसके द्वारा कवरिंग होती है, सीमेंटम के द्वारा, इसको जो प्रोड्यूस करती है सेल्स उसको क्या बोलते हैं अपन, सीमेंटोब्लास्ट, सीमेंटोब्लास्ट सेल क्या करती है, रूट को कवरिंग करती है, ठीक है, और सीमेंटम का फॉर्मेशन करती है, और ये इसके अंदर भी क्या सीक्रेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो होगी उसकी क्राउन और रूट की बात, अब हम बात करते हैं कि जब भी अपन कुछ ठंडा या ज्यादा कुछ ठंडा पीते हैं तो क्या होता है, अपने टीथ के अंदर सेंसेशन होता है, मतलब नर्व सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, वहां पर क्या होता है सेंसेशन, और अगर अपन टीथ को रिमूव कराते हैं तो वहां पर क्या होता है ब्लीडिंग भी होती है, मतलब ब्लड सेल्स भी होती है वहां पर, सॉरी ब्लड वेसल्स भी होती है, तो ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है वो कहां प्रेजेंट होती है इतने स्ट्रॉन्ग टीथ के अंदर, तो इसके अंदर देखिए टीथ के इनसाइड द टीथ, इनसाइड द टीथ क्या प्रेजेंट होती है, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टीथ, जो अपने टीथ का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, पल्प कैविटी, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और इस पल्प कैविटी के अंदर ही नर्व सेल, नर्व एंडिंग्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये तो गई इसकी जनरल एनाटॉमी के बारे में। अब हम बात करते हैं टीथ के नंबर्स कितने होते हैं, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी डेसिड्यूस मिल्की, या जिनको बोलते हैं अपन टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी प्राइमरी डेसिड्यूस या मिल्की टीथ, ये क्या होते हैं, एक बार क्या होते हैं इरप्ट होते हैं उसके बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं और दोबारा इरप्ट होते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर दो बार इरप्ट होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी डेसिड्यूस या मिल्की या टेम्परेरी टीथ, इनका फॉर्मूला क्या होता है 2102, इसका मतलब क्या हो गया, कितने प्रकार के होते हैं टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो इसी की बेस पे अपर एंड लोअर जो के अंदर अपन काउंटिंग करते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है किसके द्वारा काउंट करते हैं अपन, हाफ अपर एंड लोअर जो की क्या है काउंटिंग होती है, ठीक है, तो यहां से अपन काउंट करते हैं, ये क्या है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी या डेसिड्यूस टीथ है उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर क्या है एब्सेंट, मतलब क्या हो गया प्रीमोलर और थर्ड मोलर लाइफ में सिर्फ
एक बार ही इरप्ट हो पाते हैं, ठीक है। प्री मोलर एंड थर्ड मोलर इरप्ट ओनली वन टाइम इन द लाइफ, ठीक है। लाइफ में सिर्फ एक बार कौन इरप्ट होते हैं, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, प्राइमरी या डेसिड्यूस या मिल्की या टेम्पररी टीथ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन परमानेंट, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के अंदर कौन से आते हैं, 2, 1, 2, 3, मतलब क्या हो गया इसके अंदर कंप्लीट टीथ है, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, टोटल कितने हो गए 32। ये अपर एंड लोअर जो का हाफ पार्ट है, ठीक है, हाफ अपर एंड लोअर जो की क्या होती है काउंटिंग होती है, इसके हिसाब से इसका अपन फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन बात करते हैं कि किसी पर्सन के अंदर टीथ की जो संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ टीथ मोर देन 32, इसके अंदर मोस्टली क्या काउंट करते हैं अपन, मोर देन 3 मोलर। अगर नंबर ऑफ टीथ मोर देन 32 है, इफ नंबर ऑफ टीथ इज मोर देन 32, मतलब क्या हो गया, मोर देन 3 मोलर अगर प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरडेंटोनिया, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टीथ लेस देन 32, मतलब क्या हो गया, मोलर की जो संख्या होती है लेस देन 3 मोलर, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोडेंटोनिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक होता है नेटल डेंटिया, मतलब क्या हो गया, एट बर्थ वन और मोर टीथ प्रेजेंट, ठीक है, एट बर्थ अगर वन और मोर टीथ अगर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे अपन, नेटल डेंटिया, एट बर्थ वन एंड मोर टीथ प्रेजेंट। अगर एट बर्थ क्या होता है, मोर देन वन टीथ अगर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नेटल डेंटिया, और इसी के सिमिलर आता है एक नियोनेटल डेंटिया। अप टू वन मंथ ऑफ एज, कोई बेबी है उसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो अप टू वन मंथ ऑफ एज, मतलब नियोनेटल एज के अंदर उसके वन और मोर देन वन अगर टीथ प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे अपन नियोनेटल डेंटिया, ठीक है। देखिए पीडीएफ तो इसकी तो नहीं मिल पाएगी आपको, पीडीएफ जो मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा उसी कंटेंट की आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। जब डिजीज कंडीशन अपन पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको यहां से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए अबाउट टू टीथ। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल कैविटी के अंदर टंग। अब देखिए टंग की बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज द ग्लॉसाइटिस। लेंथ की अपन बात करें, टंग की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। अगर लेंथ इंक्रीज होती है मोर देन 10 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं अपन मैक्रोग्लॉसिया। अगर लेंथ लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है, मतलब माइक्रोग्लॉसिया। वेट की बात करें, टंग का जो वेट होता है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। मेल के अंदर होता है इसका वेट इज अबाउट 70 ग्राम, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर इसका वेट होता है 60 ग्राम। फीमेल में जो टंग होती है वो थोड़ी लाइट वेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करते हैं जो टंग है उसकी दो सरफेस होती है, एक होती है वेंट्रल और एक होती है डॉर्सल। फर्स्ट इज द वेंट्रल एंड सेकंड इज द डॉर्सल। तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक क्या पता है, कनेक्टिव टिश्यूज का क्या होता है, स्किन फोल्ड, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं उस टंग को टाई करके रखते हैं, ठीक है। टंग को क्या करते हैं, बेस ऑफ माउथ से क्या करते हैं, टाई करके रखते हैं, जिसको बोलते हैं अपन
लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के ऊपर क्या होता है, स्किन फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टंग। मूवमेंट ऑफ टंग के अंदर क्या करता है, ये हेल्प करते हैं। जो अपनी टंग होती है वो नीचे से जुड़ी हुई होती है जिस स्किन फोल्ड से या जिस पार्ट से, उसको बोलते हैं अपन लिंगुअल फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नियोनेटल डेंटिया, नियोनेटल डेंटिया मतलब क्या हो गया, अगर किसी बेबी की एज क्या है, नियोनेट एज है, ठीक है, अप टू 1 मंथ ऑफ एज है, अगर उसके अंदर वन और मोर देन वन टीथ अगर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नियोनेटल डेंटिया। पैपिली प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस पे, अभी अपन बात कर रहे हैं वेंट्रल सरफेस की, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, लिंगुअल फ्रेनुलम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टंग। अब कंडीशन आती है अगर लिंगुअल फ्रेनुलम शॉर्ट और थिक होता है तो वहां पर एक एबनॉर्मल कंडीशन आती है, अगर लिंगुअल फ्रेनुलम क्या हो, शॉर्ट हो जाए एंड थिक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, टंग का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड मूवमेंट ऑफ टंग। इस टर्म को क्या बोलते हैं अपन, एंकाइलोग्लॉसिया, क्या बोलते हैं, एंकाइलोग्लॉसिया या टंग टाई, या इसको क्या बोलते हैं अपन, टंग टाई। इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड थिक ऑफ फ्रेनुलम लिंगवी या लिंगुअल फ्रेनुलम, जिसके कारण जो टंग के मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे और लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ टंग इज नोन एज द एंकाइलोग्लॉसिया या टंग टाई, ठीक है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, स्किन के छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं दैट हैव नर्व एंडिंग्स, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नर्व के जो आखिरी एंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उन स्किन फोल्ड्स के अंदर। अब ये नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, हमें क्या होता है, टेस्ट का अनुभव होता है किसके द्वारा, इन नर्व एंडिंग्स से, और इन्हें अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड बोलते हैं या टेस्ट पैपिली, टेस्ट पैपिली या टेस्ट बर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, अब देखिए टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोस्टली चार टाइप्स के होते हैं, जो डॉर्सल सरफेस पे और लेटरल सरफेस पे क्या होते हैं, टंग के डॉर्सल और लेटरल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड, जो हमें अलग अलग टेस्ट का फील करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी अपन बात करेंगे। पहले अपन इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, टेस्ट बर्ड कितने प्रकार के होते हैं, सबसे फर्स्ट है सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट, ये इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है, ठीक है, सर्कमवेलेट इज द लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड। सेकंड इज द फंगीफॉर्म, थर्ड इज द फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंड सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड एक और होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा, तो उसके अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं, याद आता है, ठीक है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं। जो फोर्थ टाइप है इसका, उसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं, ठीक है,
लास्ट इज फॉलिएट। इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं, मतलब इसके द्वारा अपने कोई टेस्ट फील नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए इसके चार टाइप्स। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पार्ट से अपने को कौन सा टेस्ट फील होता है। तो देखिए अपन स्ट्रक्चर के द्वारा बात करेंगे, यह है एंटीरियर, दिस इज द एंटीरियर लैटरल, मीडियो लैटरल, पोस्टीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। यह है एंटीरियर, तो एंटीरियर में कैसा होता है अपने को, स्वीट, मीठा जो भी खाते हैं अपन, वो यहां से अपने को फील होता है, ठीक है। फोलेट के अंदर टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आप देखिए ये है एंटीरियर, एंटीरियर में कौन सा अपने को फील होता है, स्वीट। नेक्स्ट इज द एंटीरियर लैटरल, सॉल्टी, मीडियल लैटरल, शॉर एंड पोस्टर लैटरल, यूमामी एंड पोस्टर इज बिटर, ठीक है। तो ये कई बार अगर आपको जैसे डायग्राम देके पूछ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही पूछ सकता है, टंग का डायग्राम तो सही है ना, हाँ, तो स्वीट, सॉल्टी, शॉर, यूमामी एंड बिटर टेस्ट, ये अपने को अलग अलग एरियाज पे क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट फील होते हैं। दिस इज द एंटीरियर, अगर आपको नाम लेके पूछे तो ये कौन सा साइट है, एंटीरियर साइट, ठीक है। और यहां इधर इनकी जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, एंड दिस इज द एंटीरियर लैटरल, दिस इज द मिडिल लैटरल एंड दिस इज पोस्टीरियर लैटरल, और जो बीटर है वो क्या है, पोस्टीरियरली। अगर आपको वैसे लोकेशन का नाम देके भी अगर आपको पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन कौन सा जो टेस्ट अपने को कहां कहां पर फील हो रहा है, ठीक है। देखिए पीडीएफ हम आपको देते हैं, यूमामी क्या होता है, यूमामी के अंदर जैसे जो मुझे तो नहीं पता, खैर मैंने तो कभी टेस्ट किया नहीं, लेकिन मोस्टली जहां पढ़ा है मैंने, तो मीट के अंदर जो टेस्ट आता है ना वो यहीं से अपने को फील होता है, ठीक है, पोस्टियर लैटरल, और इसी को अपन बोलते हैं यूमामी। या इसके अलावा जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर कैसा स्वाद आता है आपको, वो होता है यूमामी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट अब देखते हैं, आप देखिए नेक्स्ट एक कंडीशन होती है जियोग्राफिक टंग, जियोग्राफिक टंग, इसमें क्या होता है, व्हाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है, कैसी, व्हाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर
ऑन टंग, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। राइबोफ्लेविन विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण अपने को क्या दिखती है? व्हाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन टंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक टंग, ठीक है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के कारण अपने को व्हाइट पेसेज या व्हाइट लाइनिंग जो है वो अपने को दिखाई देती है टंग के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं जियोग्राफिक टंग अपन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, अब देखिए ये बात हो गई टंग की, ठीक है। नेक्स्ट यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ओरल कैविटी में नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स की। सेलाइवरी ग्लैंड्स, अब इसके अंदर देखिए जो 95% सीक्रेशन करती है, वो मोस्टली तीन सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिनकी डबल पेयर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरोटिड सबमैंडिबुलर ठीक है, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। तो लोकेशन तो आपको इनके नाम से पता चल रही होगी। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड जो होती है, वो क्या होती है? लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड। अब इसके अंदर से देखना, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो सिंगल लाइनर, लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड ये कहां पर सिचुएटेड होती है? जस्ट बिहाइंड द ईयर लॉब। अगर अपन वैसे एग्जैक्ट बात करें, एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर लॉब, ठीक है, एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर लोब कौन से सिचुएटेड होती है? पैरोटिड ग्लैंड, एंटीरियर एंड इंफीरियर टू ईयर लोब। ईयर लोब के एंटीरियरली और इंफीरियरली कौन सिचुएटेड होती है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर कहां पर सिचुएटेड होती है? बिलो मैंडिबल। और नेक्स्ट बात करें सबलिंगुअल, बिलो द टंग, बिलो द टंग। ये तीन जो मोस्टली होती है 95% सेलाइवा का सीक्रेशन करती है। इसके अलावा 5% सेलाइवा सीक्रेशन होता है अदर थाउजेंड ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। 95% सेलाइवा सीक्रेशन होता है सेलाइवरी ग्लैंड मोस्ट कॉमन पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल से। अप्रोक्सीमेट 20% सेलाइवा सीक्रेट करती है पैरोटिड ग्लैंड, 60 to 70% सीक्रेट करती है कौन? सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल जो होती है वो 5 to 10% सेलाइवा सीक्रेशन करती है। अब ये जो सेलाइवा का सीक्रेशन करती है ग्लैंड, वो अपना सीक्रेशन कहां पर डालती है? डक्ट के अंदर, ठीक है। सीक्रेशन कहां पर डालती है? डक्ट के अंदर। अगर सीबीटी का आपको शेड्यूल नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके शेड्यूल ले सकते हैं। नेक्स्ट सीबीटी होगा, उसमें जीआई और रीनल दो सिस्टम होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां से इनकी डक्ट्स के बारे में। तो डक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वैसे सिंपली अगर बात करें तो पैरोटिड डक्ट, सबमैंडिबुलर डक्ट एंड सबलिंगुअल डक्ट, लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड के लिए कौन सी डक्ट होती है? स्टेट्सन डक्ट। ये सीक्रेशन जो है कैसे जाते हैं? स्टेट्सन डक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर के अंदर जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं अपन वार्टन्स डक्ट,
वार्टन्स डक्ट। एंड नेक्स्ट इज द सबलिंगुअल, सबलिंगुअल में कौन सी होती है, रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। एंड द वार्टन्स डक्ट इज द लार्जेस्ट, सेलाइवरी डक्ट। एंड द रिविनस डक्ट इज द स्मॉलेस्ट, सेलाइवरी डक्ट। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, सेलाइवरी ग्लैंड्स की। अब सेलाइवरी ग्लैंड्स कितना सिक्रेशन करती है पर डे, अप्रोक्सीमेट 1500 ml सेलाइवा का सिक्रेशन होता है, 1500 ml पर डे सेलाइवा सीक्रेट होती है। सेलाइवा की जो पीएच होती है 6.35 टू 6.85। पीएच की बात करें तो पीएच इज इक्वल टू 6.35 टू 6.85, 6.35 टू 6.85 इज द सेलाइवरी पीएच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है अल्फा एमाइलेज, कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम, या अपन बात करें टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, अल्फा एमाइलेज एंजाइम। इसके अलावा प्रेजेंट होता है इसके अंदर लिंगुअल लाइपेज, क्या प्रेजेंट होता है, लिंगुअल लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैट इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन। देखिए फैट का डाइजेशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन के लिए उसको इमल्सिफाई करना होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस अपन जब फैट के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे वहां पे आपको बताऊंगा कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लेकिन फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए उसको इमल्सिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो लिंगुअल लाइपेज होता है सेलाइवा के अंदर वो किसमें हेल्प करेगा, फैट इमल्सिफिकेशन में, और अल्फा एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर सेलाइवा का सिक्रेशन कुछ कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सेलाइवा का सिक्रेशन कुछ कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है और कुछ कंडीशन के अंदर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर सिक्रेशन इंक्रीज हो गया मतलब हाइपर सेलाइवेशन हो गया, हाइपर सेलाइवेशन, हाइपर सेलाइवेशन की कंडीशन अगर है तो वहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस अपन यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, एट्रोपिन, कौन सी लेते हैं अपन, एट्रोपिन। और अगर हाइपोसेलाइवेशन है या जिसको अपन बोलते हैं जीरोस्टोमिया, मतलब सेलाइवा का सिक्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज द सेलाइवा सिक्रेशन, यह बात करें इसको जीरोस्टोमिया भी अपन बोलते हैं, जीरोस्टोमिया। यहां पर अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जीरोस्टोमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ टर्म आती हैं। फर्स्ट है दोनों का डिफरेंस आप समझना, फर्स्ट इज ड्रूलिंग एंड सेकेंड इज वॉटर ब्रश। ड्रूलिंग और वॉटर ब्रश दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या होता है, हाइपर सेलाइवेशन होती है, मतलब सेलाइवा का एक्सेसिव सिक्रेशन होगा, लेकिन ड्रूलिंग में क्या होता है, जो सेलाइवा होती है वो कम आउट थ्रू द माउथ, एक्सेसिव सेलाइवा सिक्रेशन दैट कम आउट थ्रू द माउथ, माउथ से क्या होगी बाहर आती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वाटर ब्रश की, इसमें भी क्या होगा, एक्सेसिव सेलाइवेशन होगा, लेकिन वो कहां पे जाएगा, जीआई ट्रैक के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया दोनों कंडीशन, ड्रोलिंग में क्या होता है एक्सेसिव सेलाइवा सिक्रेशन एंड कम आउट थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा बाहर आ जाती है सेलाइवा। ठीक है, डीओसी का ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, फुल फॉर्म।
अब देखिए ड्रॉलिंग के कंडीशन है मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव सेलाइवेशन, एक्सेसिव सेलाइवेशन एंड सेलाइवा कम आउट थ्रू द माउथ, सेलाइवा कम आउट थ्रू द माउथ, माउथ से सेलाइवा क्या होगी बाहर सीक्रेट होगी, ठीक है। और अगर बात करें वाटर ब्रश की तो वाटर ब्रश में क्या होता है, सेलाइवा मूव इनसाइड द जीआई, मूव इनसाइड जीआई ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर मूव करती है सेलाइवा, जिसको बोलते हैं वाटर ब्रश। नेक्स्ट देखिए सियाल एडिनाइटिस, एक कंडीशन होती है सियाल एडिनाइटिस, मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द सेलाइवरी ग्लैंड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स, सियाल एडिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स, सेलाइवरी ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं सियाल एडिनाइटिस, ठीक है। ड्रोलिंग एक टर्म कंडीशन है, ठीक है, ड्रोलिंग इज ए टर्म, ड्रग नहीं है भैया, एक टर्म है जो इसको डिस्क्राइब कर रही है कि अगर एक्सेसिव सेलाइवा होता है, एक्सेसिव सेलाइवा सिक्रेशन होता है और वो माउथ के द्वारा बाहर आता है तो उसको अपन बोलते हैं ड्रोलिंग। जैसे कोमा वगैरह के पेशेंट होते हैं या सीजर वगैरह पेशेंट होते हैं तो वहां पर अपन टर्म पढ़ते हैं एक्सेसिव ड्रोलिंग, तो उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि सेलाइवा सिक्रेशन ज्यादा होगा और वो माउथ के द्वारा बाहर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी पूरी ऑरल कैविटी की, जिसमें अपने टिप के बारे में बात कर ली और टंग के बारे में और सेलाइवरी ग्लैंड्स के, जहां से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक कंटिन्यूस पाइप की तरह काम करता है, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूअस सलाइवा निकलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, या इसको बोलते हैं अपन गलेट, इट प्रेजेंट बिहाइंड ऑन द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे पाया जाता है। लोकेशन की बात करें अपन, लोकेशन तो देखिए C6 to T12 है, ये वर्टिब्रा के रिलेशन में अपन बात करें, सर्वाइकल जो सिक्स वर्टिब्रा है वहां से लेकर थोरेसिक जो ट्वेल्थ वर्टिब्रा है वहां तक क्या होती है इसकी लेंथ होती है, और टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस, 10 इंच या 25 सेंटीमीटर की क्या होती है लेंथ होती है, जस्ट बिहाइंड टू ट्रेकिया क्या होती है प्रेजेंट होती है गलेट या विंड पाइप, इसको सॉरी फूड पाइप इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, देखिए यहां से अपन क्वेश्चन नहीं आते हैं, अपनी जो अपन डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, डिजीज कंडीशन के अंदर मोस्टली इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पता हो, और जिस कंडीशन में आपको नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई इंपोर्टेंट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये होगी इसकी लोकेशन, कई बार लोकेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं एट T11, मतलब थोरेसिक 11th वर्टिब्रा के पास में क्या होगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस पियर्स द डायफ्राम, ईसोफेगस क्या करती है डायफ्राम में पियर्स, मतलब उसमें छेद या होल, ठीक है, एक होल बनाती है या डायफ्राम को क्रॉस करके जो एब्डोमेन कैविटी है वहां पर चली जाती है, कौन ईसोफेगस, और T12 पार्ट पे क्या होती है कंप्लीट हो जाती है, T12 पोर्शन पे क्या होती है कंप्लीट, C6 से लेकर T12 तक इसकी कंप्लीट लेंथ है, जिसमें T11 पर ये डायफ्राम को क्रॉस कर रही है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, T11 रीजन पे डायफ्राम को क्रॉस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें
देखिए, ईसोफेगस के अंदर दो क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, एक होता है लोअर अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड सेकंड इज द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये दोनों क्या करते हैं, प्रिवेंट फूड रीगर्जिटेशन, प्रिवेंट फूड रीगर्जिटेशन, फूड के रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए, मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं, जो ईसोफेगस होती है वो डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद में, जैसे मान लीजिए डायफ्राम है, डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद में एक एंगल का फॉर्मेशन करती है, मूव अपवर्ड एंड फॉर्म ए एंगल, ठीक है। इस एंगल का फॉर्मेशन करती है, इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ हिज, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ हिज। और ये एंगल भी किसमें हेल्प करता है, टू प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, ठीक है। समझ में आएगा सभी को कि ईसोफेगस क्या होती है, कंप्लीट लेंथ होती है C6 से लेकर T12 तक, C6 से लेकर T12 तक इसकी कंप्लीट लेंथ होती है, और T11 पर थोरेसिक जो 11th वर्टिब्रा है वहां पर ये डायफ्राम को पियर्स कर रही है, मतलब इसको क्रॉस आउट कर रही है। क्रॉस आउट करने के बाद में जहां पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन होता है, मतलब जो स्टमक का कार्डिक पार्ट और ईसोफेगस का जो लोअर एंड होता है, दोनों जहां पर जुड़ते हैं वहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ हिज। और एंगल ऑफ हिज भी किसके अंदर हेल्प करता है, टू प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब यहां पर देखिए, इससे रिलेटेड कुछ अपन कंडीशन की बात करते हैं, डिजीज कंडीशन। फर्स्ट है बैरेट्स ईसोफेगस, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस से रिलेटेड एक कंडीशन आती है बैरेट्स ईसोफेगस, बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है, दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक GERD। अगर किसी पर्सन के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा, क्रॉनिक GERD प्रेजेंट है। अब GERD में होता क्या है, कंटिन्यूस क्या होगा, जो स्टमक कंटेंट होंगे वो रीगर्जिटेट होंगे, इसोफेगस के अंदर आएंगे, और जो स्टमक कंटेंट है उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, मतलब जो एसिड है स्टमक एसिड वो बार बार इसोफेगस में आएगा, और इसोफेगस में आने के कारण कुछ सेल्यूलर चेंजेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सेल्यूलर चेंजेस इन लोअर ईसोफेगस। लोअर ईसोफेगस के अंदर क्या होंगे, कुछ सेल्यूलर चेंजेस होते हैं, या अपन बात कर सकते हैं मेटाप्लेसिया, सेल्यूलर चेंजेस या मेटाप्लेसिया भी इसको बोल सकते हैं। मेटाप्लेसिया का मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ सेल चेंज इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार की कोशिका दूसरी प्रकार की कोशिका के अंदर बदल जाती है, किसके कारण, कंटिन्यूअस वहां पर एसिड अटैक होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या हो रहा है, ईसोफेगस में एसिड अटैक हो रहा है, बार बार स्टमक कंटेंट रिगर्जिटेट होके ईसोफेगस में आ रहे हैं GERD कंडीशन के कारण, और ये कंडीशन अगर क्रोनिक टाइम से चली आ रही है तो वहां की सेल्स क्या होती है, खुद के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, उनका एनवायरमेंट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। जो एसिड स्टमक के अंदर होना चाहिए वो बार बार अगर ईसोफेगस में आएगा तो वहां की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटाप्लेसिया हो जाता है, मतलब सेल्यूलर चेंजेस हो जाता है। सेल्यूलर चेंजेस में क्या होगा, नॉर्मली जो लोअर ईसोफेगस पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, जो रिप्लेस हो जाएगी, रिप्लेस रिप्लेस बाय सिंपल एपिथीलियम, सिंपल एपिथीलियम विथ गोबलेट सेल, विथ गोबलेट सेल्स, मतलब क्या हुआ, वहां पर पहले थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, अब चेंज होके क्या हो जाएगी,
सिंपल एपिथीलियम विथ गॉबलेट सेल, ठीक है, सिंपल एपिथीलियम विथ गॉबलेट सेल। अब गॉबलेट सेल क्या करती है, सीक्रेट है म्यूसिन, जो एक प्रकार की जेली लाइक स्ट्रक्चर, या अपन बहुत बात कर सकते हैं म्यूकस लाइक जो जेल होती है उसका सीक्रेशन करता है, और ये क्या करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, क्या बनाता है प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है गॉबलेट सेल म्यूसिन के द्वारा, ताकि जो एसिड है उसका इफेक्ट ईसोफेगस के ऊपर ना हो। तो ये कुछ ये कुछ क्या होते हैं मेटाप्लेसिया के कारण सेलुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं अपन बैरेट्स ईसोफेगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कार्डिक स्फिंक्टर खराब हो जाता है, कंडीशन वो देखिए वो अलग होती है, अपन जीईआरडी के कारण होता है ये, मोस्टली किसके कारण होता है जीईआरडी, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक कंडीशन आती है मिलेरी वाइस सिंड्रोम, एक कंडीशन आती है ईसोफेगस रिलेटेड मिलेरी वाइस सिंड्रोम, टीयर ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, इसमें क्या होता है टीयर ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, मतलब जहां से ईसोफेगस स्टमक के साथ अटैच हो रही है वो जंक्शन क्या होता है टीयर यानी फट जाता है। और एक कंडीशन देखने को मिलती है अपने को एनोरेक्सिया बुलमिया के अंदर, किसमें एनोरेक्सिया बुलमिया, बुलमिया या जिसको अपन बोलते हैं बिंज ईटिंग, एक कंडीशन और हो सकती है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो ईसोफेगस के अंदर ये दो कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है, फर्स्ट है बैरेट्स ईसोफेगस और सेकंड है मिलेरी वाइस सिंड्रोम, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सीबीटी एग्जाम तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर पे आप कॉल करें या आप डायरेक्ट मोबाइल ऐप से आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेनिंग अभी 20 टेस्ट आपके बचे हुए हैं, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का हम पेपर तैयार कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट का जो रेस्पॉन्स है वो आपको दिखाना चाहता हूं कि पेपर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स है पेपर के लिए वो कैसा है, ठीक है। आई होप आप सभी को जो पेपर का पैटर्न है वो अच्छा पसंद आया है, और स्टूडेंट की जो मेहनत है वो भी अच्छी आप कर रहे हैं, और कंटिन्यूस अपनी मेहनत को यूं ही बना के रखना। 2 या 3 महीने आप अगर रेगुलर इसी मेहनत के साथ प्रैक्टिस अगर आप करोगे, अपनी मेहनत को बरकरार रखोगे, तो दिल्ली एम्स ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मे बी पॉसिबल आज एक क्लास से इवनिंग में हो सकती है 4 या 5 बजे, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं है कि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग होती है, आप उसका ध्यान रखा करो। और दूसरा टाइमिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको, जैसे क्लास सॉरी क्लास क्या जैसे टेस्ट एंड होने वाला है तो उससे 1 या 2 मिनट पहले आपको पेपर को जरूर सबमिट करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी हो सकती है 4 बजे, 4 बजे या 5 बजे भी, जो भी फिक्स होगा टाइमिंग उस हिसाब से हम आपको शेड्यूल बता देंगे। अगर आज होगी तो 4 बजे या 5 बजे आपकी क्लास होगी, जो उससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा अपन उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार सभी आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कीजिए। मोबाइल ऐप के अंदर इनवाइट एज ए फ्रेंड का ऑप्शन दिया गया है, तो उसको आप काम में क्यों नहीं लेते। अभी तक सिर्फ जहां तक मैंने देखा है मुश्किल से 10-12 स्टूडेंट ने उस ऑप्शन को काम में लिया होगा, तो या तो उसको हटवा देते हैं हम, या फिर आप उसको थोड़ा काम में लो,
वहां से अपने फ्रेंड्स को, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीबीटी के अंदर अपियर हो सके। क्योंकि स्टूडेंट जैसे बढ़ेंगे आपको एक रियल कॉम्पिटिशन सा फील होगा। ठीक है, और अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, ऐप से रिलेटेड, आप ऐप चल नहीं पा रहा आपसे, या लॉगिन नहीं हो रहा, या पेमेंट के अंदर इश्यू आ रहा है, या टेस्ट सीरीज आपको पता नहीं चल रही कि कहाँ से क्या आपको पैकेज लेना है, तो आप हमारे जो नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी डेली जो क्लास है वो सुबह 10 बजे एक क्लास तो डेली होगी, और नेक्स्ट क्लास अगर इवनिंग में होती है तो आपको सुबह एक क्लास फिर बता दिया जाएगा। ठीक है, डेली एक क्लास जो है आपकी 10 बजे होगी। जिस जिसने भी किया है मुझे सबका पता है कि उसमें हमारे पास सारा डाटा सेव रहता है, तो आप देखते हैं, अभी मैं चेक करूंगा, देखिए 10-15 मिनट बाद में कि कितने स्टूडेंट उसको शेयर आउट करते हैं। ठीक है, इनवाइट एज ए फ्रेंड पे क्लिक करके आप उसे शेयर करो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पे हैं। ठीक है, देखिए ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, बट आप ये चीज सोचे, जो स्टूडेंट अभी आप अगर यहां पर उनको नहीं बुला रहे हो ना मेन एग्जाम में, तो जाने से उन्हें कौन रोकेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट मेन एग्जाम तो देंगे, जो आपकी दिल्ली एम्स की एग्जाम होगी वहां पर आपको वो कंपटीशन मिलेगा। तो इससे अच्छा है ना कि एक बार आपको आपका नॉलेज है वो आपके घर पे बैठ के असेस हो जाए। इसलिए तो हमने प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है सीबीटी का और रियल टाइम एग्जाम का। बाकी आप इस चीज को, कंसेप्ट को समझिए कि हमने जो तैयार किया है सिर्फ इसी के लिए, ताकि जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे, मेन एग्जाम दोगे, तो वहां पर आपको जो 1 लाख स्टूडेंट मिलेंगे, वो अगर आपको उन्हीं के साथ प्रैक्टिस अगर आपकी आपके घर पे बैठ के हो सकती है, आपको रियल एनालिसिस अगर हो जाएगा तो आप अपनी मेहनत को बढ़ा दोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है, अपनी रैंक आप असेस कर रहे हो, टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तो उस चीज से आप पॉजिटिव मोटिवेशन लो। अगर आपका रैंक कम भी आता है ना, तो उससे ये नहीं कि यार मेरा रैंक कम आया है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज नहीं होनी चाहिए। टॉपिक आपको बता दिए गए हैं, जितना हो सके जहां से हो सके उसके रिगार्डिंग आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं अच्छे से, और उसके बाद में आपको एग्जाम में अपियर होना है। अब आपको इसके 7 दिन का टाइम पीरियड मिला है जीआई और रीनल के अंदर, तो आप अपनी 7 दिन के अंदर इन दो टॉपिक्स को इतना अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि बाकी अदर स्टूडेंट के साथ आप अच्छे तरीके से कम्पीट कर पाओ और टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना पाओ। ठीक है, और लास्ट दो टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर सुधार कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये तो सीबीटी एग्जाम है ना, आपको एक रियल एनालिसिस यहाँ से प्रिपेयर करके दे रहा है, इसको आपको पॉजिटिव मोटिवेशन ही आपको इसमें लेना है। ठीक है, तो अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते हैं, पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन में रेशनल के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस के रेशनल के साथ कंसेप्ट को भी समझोगे, तो ऐसे मान लीजिएगा कि लास्ट तक आते आते आपका 70% सिलेबस तो उन क्वेश्चंस के साथ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मन में बहुत अच्छा डाला है, और सॉल्यूशन को आपको जरूर पढ़ना है। अगर किसी को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो ना, हर पेपर के अंदर अप्रोक्सीमेट 100 में से 70 या 75 क्वेश्चन का हम रेशनल दे रहे हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चन है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंगल लाइनर होते हैं, हो सकता है उनका नहीं हो, लेकिन 70+ क्वेश्चन का रेशनल है। ठीक है, तो वो चीज आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, और क्लासे हम यहाँ से कंडक्ट करवा रहे हैं, और जो प्रीवियस क्लासे हो चुकी हैं, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्रीवियस क्लासेज भी आप देखते रहिए। ठीक है, बाकी क्रैश कोर्स में तो क्या होगा, मैं थोड़ा स्पीडली कराऊंगा, अभी थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, जब डिजीज कंडीशन कराऊंगा तो सारी चीजें तो पहले हो चुकी होंगी, तो डिजीज कंडीशन को अपन थोड़ा स्पीडली करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी आप इस चीज को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।